पैराग्राफ 37-38। अब इस पैराग्राफ में दो एक्सपेरिमेंट हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट नंबर वन में 100 ml 1 molar HCl सॉल्यूशन को 100 ml 1 molar NaOH के साथ एक इंसुलेटेड बीकर में कांस्टेंट प्रेशर पर मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब HCl को NaOH के साथ मिलाएंगे तो NaCl एंड वाटर बनेगा, और HCl कि हम लोगों ने 100 मिलीमोल मिक्स किए हैं NaOH के 100 मिलीमोल के साथ, तो फाइनली 100 मिलीमोल वाटर का बन रहा है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो है दैट इज -57 किलो जूल पर मोल। अब हमने देखा कि भाई 100 मिलीमोल वाटर बन रहा है, तो 100 मिलीमोल वाटर के बनने से रिएक्शन में कितना हीट चेंज होगा, तो हमें पता है कि अगर 1 मोल वाटर बनता तो 57 किलो जूल पर मोल का एंथैल्पी चेंज होता, तो 100 मिलीमोल वाटर के बनने में एंथैल्पी चेंज जो होगा दैट इज 57 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 1000। अब ये जो हीट रिलीज हो रही है ये पूरे सिस्टम का, जिसमें सॉल्यूशन है और कैलोरीमीटर है, इसका टेम्परेचर 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रही है। तो हमने क्या किया कि इस हीट से कुछ 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें सॉल्यूशन का भी इंक्रीज होगा प्लस कंटेनर का इंक्रीज होगा, तो 200 इंटू 4.2 ये हो गया सॉल्यूशन का इस हीट कैपेसिटी, क्योंकि 100 ml प्लस 100 ml 200 ml सॉल्यूशन है, डेंसिटी इसकी 1 g/ml है, तो सॉल्यूशन का मास है 200 g इंटू स्पेसिफिक हीट, ये आ गई सॉल्यूशन की हीट कैपेसिटी प्लस सी कंटेनर की हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम यही काम एसिटिक एसिड और NaOH के साथ मिक्स कर रहे हैं, जिसमें एसिटिक एसिड का हम 100 ml 2 molar सॉल्यूशन NaOH के 100 ml 1 molar के साथ मिलाते हैं। यहाँ फाइनली 100 mmol H2O का बन रहा है। अब अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं और इस न्यूट्रलाइजेशन का एंथैल्पी चेंज वैल्यू है डेल्टा एच, तो यहाँ पे डेल्टा एच के टर्म्स में रिलीज होने वाला जो हीट होगा इस पर्टिकुलर केस में दैट इज मॉड ऑफ डेल्टा एच इंटू 1000 इंटू 100/1000। उसी तरह ये क्या कर रहा है, हो रहा है कि पूरे सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है। अब 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है, तो पिछले केस की तरह ही हमने यहाँ क्या किया, सॉल्यूशन की हीट कैपेसिटी प्लस कंटेनर की हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी किया, तो ये इक्वेशन आ गई नंबर 2। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 and 2 का हम रेशियो लें, तो 1 and 2 का रेशियो लेने पे हमें डेल्टा एच की वैल्यू मिल रही है मैग्नीट्यूड 56। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का, वो वैल्यू है -56 किलो जूल पर मोल। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से थोड़ी कम आ रही है, तो हमने देखा कि -56 किलो जूल पर मोल किसके बराबर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू -57 प्लस डेल्टा एच डिसोसिएशन, मतलब वो एंथैल्पी जो वीक एसिड को आयनाइज कराने में जाएगी, डिसोशिएट करने में जाएगी। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया डेल्टा एच डिसोसिएशन आ रहा है 1 kJ/mol। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर इस केस में है ए पार्ट। पैराग्राफ 37-38 में क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 नंबर क्वेश्चन में जो हमने एक्सपेरिमेंट 2 किया है इस पैराग्राफ में, उस एक्सपेरिमेंट 2 में हम क्या कर रहे हैं, 200 मिलीमोल एसिटिक एसिड के 100 मिलीमोल NaOH के साथ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो फाइनली हमें सॉल्यूशन में नजर आ रहा है कि 100 मिलीमोल एसिटिक एसिड के बच रहे हैं और 100 मिलीमोल इसके कॉन्जुगेट बेस के फॉर्म हुए। तो हमें दिख रहा है कि इस तरीके से सॉल्यूशन एक बफर की तरह वर्क कर रहा है, एसिडिक बफर की तरह बिहेव कर रहा है। अब अगर सॉल्यूशन एसिडिक बफर है तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच होता है पीकेए प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। अब क्योंकि कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड के मिलीमोल्स बराबर हैं, इसलिए रेशियो 1 होगा और लॉग वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए पीएच का वैल्यू पीकेए के बराबर है, और के का वैल्यू हमें दिया है, अगर उससे पीकेए कैलकुलेट करें तो दैट इज 4.7, इसलिए आंसर होना चाहिए बी पार्ट।